हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की तरफ से एनटीपीसी गवर्नमेंट जॉब निकल कर आए, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये होने वाला है। इसमें टेंथ और डिप्लोमा पास छात्रों के लिए ये वैकेंसी आउट की गई है। और अधिक गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है, रिक्रूटमेंट की, वैकेंसी की, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी 13,531 लोग हैं, जिनको डायरेक्टली विभिन्न तरह की जो भी जॉब अपडेट आता है डायरेक्टली ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप लोग भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को CITS, नेवी, ठीक है, ITI और BARC, NTPC की तैयारी के लिए आप लोग को टेस्ट और मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड हो जाएंगे। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9140-82-2403 पे। चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो देने वाले हैं NTPC रिक्रूटमेंट निकल कर आई है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, ठीक है। ये देखिए NTPC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि NTPC की कैरियर की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मैं ये नोटिफिकेशन दे दूंगा। इसमें देखिए NTPC माइनिंग लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट जो निकल कर आई है, यहाँ पे माइनिंग ओवर मैन के लिए टोटल यहाँ पे 52 पोस्ट निकल कर आई हैं। ऐसे ही मैगजीन इंचार्ज के लिए टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट निकल कर आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि प्रोजेक्ट पकरी, बरवाडी, चट्टी, बैरिया 2, ये सभी जगह का नाम है यहाँ पे निकल कर आया है। उसी प्रकार यहाँ पे पोस्ट मैकेनिकल सर्वेयर सुपरवाइजर के लिए टोटल 21 पोस्ट निकल कर आई हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे टोटल 13 पोस्ट आई हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए टोटल 3 पोस्ट आई हैं। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट निकल कर आई हैं। माइनिंग सिरदार के लिए यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट निकल कर आई हैं, ठीक है। अब इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या होगी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मैगजीन इंचार्ज के लिए पोस्ट निकल कर आई है ना, इसके लिए क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग से मांगा हुआ है, वो भी 60% मार्क से आपका पास आउट होनी चाहिए। उसी प्रकार मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए जो आया है यहाँ पे वैकेंसी, वो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपका मांगा हुआ है। और अन्य पोस्ट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए जो पोस्ट निकल कर आई है, इसमें फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मांगा हुआ है। ऐसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यदि बात करें, तो इसमें भी डिप्लोमा माइनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से मांगा हुआ है, ठीक है। साथ में यहाँ पे 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और एज आपका 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई है, इसमें भी डिप्लोमा माइन सर्वे, डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा माइनिंग, माइनिंग सर्वेयर, डिप्लोमा इन सिविल से मांगा हुआ है, ठीक है। माइनिंग सिरदार के लिए पोस्ट जो निकल कर आई है, ये 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें 60% मार्क के साथ पास आउट होनी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ से देखिए 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 5, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए यहाँ मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए। और अपर एज अगर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए बात करें, तो इसमें 30 साल मांगा हुआ है, ठीक है। और जो बाकी सभी छूट मिलता है, जैसे OBC के लिए 3 साल, ST/SC के लिए 5 साल, लैंड आउटस्टी के लिए 5 ईयर का, वो मिलेगा आप लोगों को। और भी बात करें यहाँ पे इमोलमेंट्स एंड सर्विस कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगा, तो मंथली इमोलमेंट्स एंड कंपेंसेशन फॉर ट्रेड सीरियल नंबर 1-6 के लिए यहाँ पे जो सैलरी रहने वाला है वो 50,000 रुपये रहने वाला है। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिक्स मंथली जो पे INR रहेगा वो 40,000 रुपये होने वाला है, यानी कि सीरियल नंबर 1-6 तक 50,000 और सीरियल नंबर 7 के लिए 40,000, यानी कि जो क्लास 10th पे ये यहाँ पे निकला हुआ है ना, इसके लिए 40,000, बाकी सभी पोस्ट के लिए 50,000 सैलरी रहने वाली है। सिलेक्शन देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन देखिए, इनिशियली फॉर 3 ईयर्स, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 3 साल का रहेगा, एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि 2-2 साल करके आप लोगों को बढ़ाया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो परमानेंट भी हो सकते हैं फ्यूचर में। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो होगा आप लोगों का, उसमें रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट स्टेज में, जिसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे
वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ना, और जिस भी डिसिप्लिन से है उसी डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 120 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 मार्क जो निगेटिव मार्किंग होगा रॉन्ग नंबर का। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग यहाँ पे 40% दिया हुआ है और एसटीएससी के लिए 30%, एसटीएससी ओबीसी के लिए 30% पासिंग मार्क दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज स्किल या कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप लोग को स्किल या कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें 40% जनरल ईडब्ल्यूएस को पासिंग मार्क में पास कर लिया जाएगा और 30% एसटीएससी ओबीसी के लिए पासिंग मार्क रखा गया। टेस्ट सेंटर की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज जो होगा वो टेस्ट सेंटर झारखंड रांची झारखंड में होने वाला है, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म में वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए पेमेंट, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आप ntpc.co.in की कैरियर वेबसाइट पे जा सकते हैं या career.ntpc.co.in पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखिए यहाँ पे एनटीपीसी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ईमेल सेंड टू कैंडिडेट, बोला जा रहा है कि किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीपीसी को नहीं होगा। आपको नॉन रिफंडेबल फीस जो लगने वाला है यहाँ पे सभी का वो 300 रुपये रहेगा, और एसटीएससी और एक सर्विस मैन जो और हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, ठीक है, ये तो ऑनलाइन मोड में था, आप चाहे तो ऑफलाइन मोड में भी जमा कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में अगर करना नहीं है, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं पढ़ के। ऑनलाइन आसान होता है, आप लोग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है और 31/12/2023 तक ये फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। तो आप लोग अगर अभी तक फिल नहीं किए तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। मैं यहाँ पे career.ntpc.co.in इसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यदि आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ में यदि आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर आ गया, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप सक्सेस कैरियर .classics.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके विभिन्न तरह की मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद। और एक खास बात, यदि आपको किसी तरह की क्वेरी या कैरियर से रिलेटेड सुझाव सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सके हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग अपनी जो भी क्वेरी हो कैरियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।